भदावती पुलिस द्वारा प्रेस विज्ञप्ति से दी गई जानकारी के अनुसार 24 अक्टूबर को भदावती पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले मौजा कुंडे गांव में आरोपी ने बच्चे को दवाखाने में दिखाने के लिए मोटरसाइकिल की मांग की। तब मृतक घनश्याम सारे ने अपनी मोटरसाइकिल देने से इनकार किया, जिससे दोनों विवाद शुरू हुआ और विवाद के दौरान आरोपी तुकाराम नारायण भोयर ने मृतक घनश्याम सारे तथा उसके बेटे शक्ति घनश्याम सारे पर चाकू से हमला, जिसमें घनश्याम सारे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं लड़के के जख्मी होने की जानकारी पुलिस स्टेशन को प्राप्त होते ही पुलिस निरीक्षक गोपाल भारती पुलिस स्टाफ के साथ घटनास्थल पर तत्काल पहुंचे तथा आरोपी को कब्जे में लेकर वरिष्ठों को इस संबंध में जानकारी दी। घनश्याम सारे की मृत्यु होने पर पुलिस स्टेशन भदावती में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेसी, उप विभागीय पुलिस अधिकारी आयुष नोपानी इन्होंने पहुंचकर जांच के संबंध में मार्गदर्शन किया। मेडिकल कॉलेज नागपुर में मृतक के बेटे का उपचार शुरू है और इस मामले की जांच पुलिस उप निरीक्षक अमोल तुलजेवार पुलिस स्टेशन भद्रावती यह कर रहे हैं। सीटी विशेष प्रतिनिधि जांच की रिपोर्ट।